यूपी चुनाव से पहले समाजवादी परिवार में खींचतान खुलकर सामने आ गई है। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से महत्वपूर्ण विभाग वापस लिए जाने पर चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश ने कहा कि परिवार में सब नेताजी की बात मानते हैं, सरकार में कोई झगड़ा नहीं है, परिवार में नेताजी की बात सबसे ऊपर है। अखिलेश ने कहा कि कुछ फैसले नेताजी के कहने पर और कुछ फैसले खुद लिए हैं। वहीं अखिलेश से पहले शिवपाल यादव ने कहा था कि हम नेताजी से बात करके आगे का फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि नेताजी ने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाया है, नेताजी जो निर्णय लेंगे उसे मानेंगे। मंत्रियों को हटाना सीएम का अधिकार है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को दो मंत्रियों की छुट्टी के बाद कल सीएम अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंगल की छुट्टी कर दी थी, जिन्हें शिवपाल यादव का खास माना जाता था। इसके कुछ देर बाद ही मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद कल रात को ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से सारे अहम मंत्रालय छीन लिए थे। यूपी में चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी टूट की ओर है। इससे पहले भी कौमी एकता दल के विलय को लेकर चाचा भतीजे के बीच तलवारें खिंच गई थी, लेकिन उस वक्त बात संभाल ली गई थी। लेकिन इस बार सपा में जारी महासंग्राम को नेताजी कैसे शांत करवाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।